नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब का ज्ञान में। और बहुत दिनों बाद हम जो है बहुत ही काम की वीडियो लेकर आए हैं। ये हर किसी के लिए अप्लाई होती है ये वीडियो, जो कि फ्रेशर हैं, जो कि एक्सपीरियंस है, और हर तरीके का जो कैंडिडेट है जो कि जॉब सर्च कर रहा है, वो हमारी इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकता है। ये वीडियो है, जैसे जॉब साइट है इंडिया की, तो टॉप जॉब साइट्स में आती है monsterindia.com। और इसमें किस तरीके से आप जो है अकाउंट बना के अपना जो है जॉब सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। तो जॉब किस तरीके से स्टार्टिंग से एज ए फ्रेशर अगर आप हो, और फ्रेशर के लिए जो है वो बहुत ही टफ होता है कि किस तरीके से जॉब साइट्स काम करती है, तो वो हम इस वीडियो में बताएंगे। एज ए फ्रेशर किस तरीके से जॉब अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है monsterindia.com पे, और किस तरीके से जॉब सर्च कर सकता है, ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। अगर पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि इस तरीके की हम वीडियोस लेकर आते हैं जो कि आपके फ़ायदे की होती है, और जॉब से रिलेटेड, ओनली जॉब से रिलेटेड जो है हम इसमें बात करते हैं। और प्रोफेशनल स्किल्स, जैसे आप कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो वो आप सीख सकते हैं हमारी वीडियोज़ देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से आप जो है ये monsterindia.com पे अकाउंट बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जो है हमने डमी रेज्यूम ले लिया है, डमी रेज्यूम हमने बना लिया है, और ये डमी रेज्यूम जो है आप इसमें हम आपको बस दिखाने के लिए हमने नेट से डाउनलोड करा है। आप अपना रेज्यूम बना सकते हैं इसमें। रेज्यूम किस तरीके से बना सकते हैं फ्री में, ये आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है अपना रेज्यूम बना सकते हैं। अगर आपके पास अभी रेज्यूम नहीं है तो ऑनलाइन 5-10 मिनट में रेज्यूम बन जाता है, और वो वीडियो देख के आप रेज्यूम ऑनलाइन बना सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है ये मॉन्स्टर इंडिया पे जो है अपना अकाउंट बना के रेज्यूम अपलोड कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप्स है, आपको monsterindia.com, ये URL है, हम डिस्क्रिप्शन पे भी दे देंगे इसका लिंक, और इसको आप जो है गूगल पे आपको करना है, ओपन करना है। इसके लिए आपकी जीमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, जीमेल आईडी या एक ईमेल आईडी होनी चाहिए बेसिकली। तो जो है ये फॉर, इसमें दो टैब हैं ऊपर, जब आप यहाँ पे ओपन कर दोगे इसको, URL डालोगे इसका, तो जॉब सीकर लॉगिन, तो हम क्या है जॉब सीकर लॉगिन है, तो हम यहाँ पे जॉब सीकर करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, लॉगिन वाया OTP, लॉगिन वाया OTP करोगे तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करोगे तो जो है आपके पास OTP आएगा, और OTP से भी लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो हम अभी जो है उससे भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं देखिए, हम बताते हैं आपको, ये ईमेल आईडी से। मगर अभी जो है हमने लॉगिन, क्योंकि हम पहली बार फर्स्ट टाइम यूज़र हैं इसमें, तो हम लॉगिन नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम न्यू टू मॉन्स्टर हैं, तो रजिस्टर करेंगे सबसे पहले। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अकाउंट आ जाएगा, क्रिएट एन अकाउंट, इट्स फ्री, ठीक है जी। यहाँ पे कहता है कि फेसबुक लॉगिन, अगर आपका इस ब्राउज़र पे फेसबुक लॉगिन है तो उस पर कर सकते हैं, साइन अप विद गूगल, अगर जीमेल से लॉगिन कर रखा है, जैसे हमने जीमेल से लॉगिन कर रखा है, हम देखेंगे तो यहाँ पे जीमेल से लॉगिन हो रखा है हमारा जॉब का ज्ञान, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा इसमें, मतलब एंटर कर देंगे इसमें, और तो ये कर देते हैं हम, इस पर क्लिक करना है आपने, बिल्कुल रॉ से दिखाते हैं आप, अगर इस पर भी क्लिक नहीं करते हैं तो सबसे पहले आप अपना रिज्यूम अपलोड करिए यहाँ पे। तो रिज्यूम यहाँ पे है हमारा, इसको क्लिक करिए यहाँ पे, एंटर कॉपी, और रिज्यूम अपना अपलोड हो जाएगा आपका यहाँ पे। रिज्यूम अपलोड हो गया, अब यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं राज, फुल नेम लिखना है आपने, जो कि आपके सर्टिफिकेट वगैरह में है, क्योंकि ये जो है प्रोफेशनल काम कर रहे हो आप यहाँ पे। ईमेल आईडी लिख दो जॉब का jan@gmail.com, पासवर्ड डाल दो, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, और करंट लोकेशन, कंप्यूटर आपने से बेसिक कंप्यूटर आप हर किसी को आता है तो बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे डाल सकते हैं, अकाउंट असिस्टेंट कर सकते हैं, ग्रामेटिकल इंग्लिश रिटर्न, बैंकिंग ग्रेजुएट, टेलीकॉल कर लो, बहुत ही बेसिक टेली मार्केटिंग कर लो, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, प्रेफर्ड इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग PR, इसमें आप चूज़ कर सकते हो जिस इंडस्ट्री में आपको जाना है एज ए फ्रेशर। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स IT सबसे बेस्ट है, तो आजकल तो IT में ही हमें मिल जाए जॉब, तो IT कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग IT सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, IT कंप्यूटर में चले जाओ, मल्टीपल भी कर सकते हो आप, IT हार्डवेयर कर लो, प्रेफर्ड डिपार्टमेंट फंक्शनल है, एडमिन में फ्रंट ऑफिस कर लो, अभी फ्रंट ऑफिस कर सकते हैं, और कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर PPO ये भी कर सकते हो आप, रोल देखिए बिल्कुल स्पेसिफिक पूछ रहा है आपसे, इसलिए पूछ रहा है कि आपको फिर ये आगे उसी तरीके की जॉब जो है वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो हम फ्रेशर कर देते हैं अभी,
रजिस्टर मी, क्लेम नंबर, चेंज नंबर। चेंज नंबर करने के लिए कहते हैं, तो नंबर इसको बताना पड़ेगा आपको, है ना। तो नंबर डाल देते हैं, तो ये रजिस्टर कर रहा है, यहाँ पे देखिए लोडिंग हो रही है, मतलब जो है हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है इसमें। अब जो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद ये आ गया हमारा डैशबोर्ड का पेज, और यहाँ पे जो है हम अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया है, और ईमेल आईडी यहाँ पे दिखा रहा है, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। अपडेट प्रोफाइल कर सकते हो आप, यहाँ पे ये दिखाएगा कि 52% जो है आपका प्रोफाइल अभी कंप्लीट है, क्योंकि जो है आपका ये अकाउंट में सारी डिटेल होनी चाहिए, एज ए प्रोफेशनल एजुकेशन, और कितनी कंपनियों में आपने काम करा है, फ्रेशर हो तो फ्रेशर में आपको क्या क्या सीखा है आपने, टेक्निकल, ये सब चीज़ें आपको बनानी होगी इसमें। और रेज्यूम तो आपने अपलोड कर ही दिया, स्किल्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, स्किल्स पे आप क्लिक करोगे तो ये दिखा रहा है कि जो प्लीज़ टाइप हेयर, स्किल्स में आप क्या कर सकते हो, बेसिक कंप्यूटर है या डिज़ाइन कोर्स, तो यहाँ पे डिज़ाइन भी डाल सकते हो। अगर आपने टैली कराओ अकाउंट से रिलेटेड, तो अकाउंटिंग डाल सकते हो, ठीक है जी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्किल्स अगर आपको आती है तो। और कुछ टेक्निकल ITI करा है आपने, ITI, तो ITI पास, ITI इलेक्ट्रिशियंस, ठीक है जी, ये भी डाल सकते हो आप। इसको सेव करोगे आप तो यहाँ पे जो है दिखा देगा ये एजुकेशन ऐड 8%, मतलब एजुकेशन अगर आप डालते हो तो 8% और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज दिखा रखी है उसने, तो आप लिख दो 12th करिए आपने, बोर्ड दिखा दो, CBSE आ गया यहाँ पे, मीडियम इंग्लिश, पासिंग ईयर दिखा दो, जो भी पासिंग ईयर होगा, फुल टाइम करा है, एजुकेशन टाइप फुल टाइम था, स्कूल जाते थे फुल टाइम, सेव कर दिया आपने, तो ये देखिए आपका जो है, रिफ्रेश करोगे 60% हो गया वो, ठीक है। इसी तरीके से आपने करना है, और प्रोफाइल पिक्चर ऐड करोगे तो 2% है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करोगे तो 12% है, क्योंकि मोबाइल नंबर कॉल करेगा आपको कोई HR तो मोबाइल पे ही करेगा, तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड कराना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड आप करा सकते हो, OTP आएगा आपके मोबाइल पे, ठीक है जी। प्रोजेक्ट है 9%, कोई आपने अगर प्रोजेक्ट करा हो या कोर्स, अगर सर्टिफिकेट होगा ITI का सर्टिफिकेट होगा या कोई टैली का जो सर्टिफिकेट कोर्स करा हो आपने, कंप्यूटर बेसिक का करा हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, कहाँ से इंस्टीट्यूट का कौन सा सर्टिफिकेट है, तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बेसिक इशूड बाय XYZ कंप्यूटर ठीक है इंस्टीट्यूट, वैलिडेट तो होता ही है बेसिक, तो 2019 डाल दो, मंथ डाल दो, फरवरी लाइफ टाइम के लिए सेव कर दोगे आप, ठीक है। तो 60% था, अभी रिफ्रेश करेंगे तो वो जो आपने ऐड करा है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा 67%, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और जो है अपना जो अकाउंट पूरा यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद जो है आप अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करिए, वेरीफाई करोगे तो आप OTP जाएगा, तो ईमेल आईडी पे वेरीफाई OTP जाएगा और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। अब आपको लगेगा कि ठीक है मैंने ये क्रिएट तो कर लिया है प्रोफाइल, अब क्या होगा, अब जो है आपने क्या करना है, ये सब कुछ कर लिया, अब जो है आप एग्जाम्पल आप अकाउंटिंग की जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, एज ए फ्रेशर हो, फ्रेशर जॉब, लोकेशन देख लो दिल्ली, एक्सपीरियंस भैया एक्सपीरियंस नहीं है सर, तो यहाँ पे दिखा देगा आपको जो है, यहाँ पे फिल्टर भी है, फिल्टर में आप जो है एक्सपीरियंस दिखा सकते हो 0 to 1 year, मतलब फ्रेशर के लिए। तो ये दिखा रहा है कैशियर की जॉब है यहाँ पे, हेलो कैंडिडेट वी आर हायरिंग कैशियर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड टू अप्लाई कॉल ऑन गिवन नंबर, HR का नंबर दे रखा है, इनको आप कॉल कर सकते हैं, सैलरी मिलेगी, ये वाली सैलरी मिलेगी जो है पैकेज, ठीक है, तो ये मान के चलो 20,000 से 30,000 40,000 के बीच का है। और अगर एक्सपीरियंस है तो CA फ्रेशर, अब अगर आप CA हो तो आप जो है इस तरीके से आपको ओपनिंग मिल सकती है यहाँ पे CA के लिए, तो CA का जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी सैलरी है, 50,000 मैक्सिमम सैलरी 50,000 है पर मंथ, और यहाँ पे दिखा रहा है, और इस पर आप क्लिक करोगे, अप्लाई किस तरीके से करोगे तो उस पर क्लिक करिए, क्लिक करना ज़रूरी है क्योंकि उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लोकेशन मुंबई दिल्ली है, दिल्ली की स्पेलिंग गलत है, क्रेडिट एक्सपीरियंस प्रेफर्ड फ्रेशर कैन ऑल्सो, ठीक है, तो फ्रेशर भी अगर आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो,
ये रिक्वायरमेंट है इनकी अप्लाई करने के लिए, आपको इस अप्लाई बटन पे क्लिक करना होगा। अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो अब योर एप्लीकेशन इज़ इन प्रोसेस और जो है आपने यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, तो आपने जो है अप्लाई कर दिया। कितना सिंपल तरीका है, तो इस तरीके से आप जो है जॉब सर्च कर सकते हो। जॉब सर्च बाय लोकेशन बैंगलोर। अब काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि हम लखनऊ में ढूंढिए, लखनऊ में बताइए जॉब ओपनिंग, मुंबई में बताइए, पुणे में बताइए, तो इस तरीके से यहाँ पे आप जाके जॉब सर्च जॉब्स बाय लोकेशन में आप जो है इस तरीके से क्लिक करेंगे तो जो बैंगलोर की जॉब है वहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर सर्च करोगे आपकी सिक्योरिटी जॉब, साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करिए। लोकेशन जो है हमने बैंगलोर की सिलेक्ट कर रखी है अभी। यहाँ पे लिखना है, आप सर्च पे क्लिक करिए तो यहाँ पे दिखा देगा आपको बैंगलोर की जॉब, इस पर क्लिक करिए या फिर यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करिए, देखिए अप्लाई, थैंक्स रिडायरेक्टिंग यू टू जॉब मास्टर पेज, रिडायरेक्ट कर रहा है। अच्छा, हमें उस पेज पे ले आ रहा है, उनके पेज पे ले आ रहा है, उस कंपनी के पेज पे ले गया है हमें, ठीक है। तो अगर कंपनी के पेज पे ले आ रहा है, वहाँ अप्लाई करना चाहते हो, ये पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पढ़ सकते हो आप। और इस तरीके से कंपनी के पेज पे जाके अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है और जो है वो भरोसेमंद जॉब है, मतलब कि एक्चुअल में जॉब निकली है अगर किसी कंपनी के पेज पे जाके आप अप्लाई करते हो। ये इसको रीलोड कर लीजिए अगर आपको ऐसा आता है, क्योंकि नेट इशू होता है कभी के बार। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हो इस पे, ठीक है जी। अप्लाइड सक्सेसफुली, ये कह रहा है अप्लाइड सक्सेसफुली। इसी तरीके से जो है आप अपनी स्किल बेस भी कर सकते हो, आप जो भी स्किल्स आपके पास है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो। फंक्शनल क्या है, HR है, IT है, मार्केटिंग जॉब्स है, फाइनेंस की है, और जॉब्स बाय टाइटल, अकाउंटिंग जॉब्स, .NET डेवलपर जॉब्स, एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो जॉब, इसमें कैटेगरी दे रखी है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि मॉन्स्टर में किस तरीके से आप अकाउंट बना सकते हैं और अकाउंट बना के किस तरीके से जॉब सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए हमारी वीडियोस को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि इस तरीके की वीडियोस आप देख सकें आगे भी। नोटिफिकेशन जो आती है हमारी उसमें जो है क्लिक करके आप देख सकते हैं लेटेस्ट और काम की जॉब से रिलेटेड वीडियोस। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।